बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल परवेज। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। घर वालों की फरमाइश पर मैं आज बना रही हूँ उनकी फेवरेट डिश। उनकी क्या ये डिश तो ऐसी है कि हर घर में सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चिकन ले ली है 1 किलो। अच्छा, इस रेसिपी को बनाने के लिए वैसे ज़्यादातर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास बोनलेस चिकन घर पर नहीं है तो फिर आप विद बोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके जो पीसेज है ना उसको आप छोटे छोटे से कर लेंगे। यानी अगर आपके पास लेग पीस भी है, अगर बड़े साइज़ का, तो उसके 3 पीस कर लें, और अगर छोटे साइज़ का हो तो फिर आप उसके 2 पीस कर लें। मैंने भी 2 पीस किया है क्योंकि छोटे साइज़ का था। तो अच्छा, इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। सब्जियाँ काटने से पहले इसमें मैंने डाल दिया है चिकन के अंदर लहसुन का पेस्ट डाला है 2 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च ऑप्शनल है, मुझे पसंद है इसलिए मैंने पिसी हुई लाल मिर्च भी इसमें 1/2 टीस्पून डाला है, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक मैंने इसमें डाला। बस ये 4 चीज़ें इसमें डाली हैं और इसको अच्छी तरह से ना मैंने मिक्स करके रख दिया है एक साइड पर। और अब मैं कट कर लूँगी सब्जियाँ सारी। तो सब्जियों की कटिंग भी मैंने कर ली है, और अब यहाँ पर देखें, एक पैन ले लिया है, उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल, 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें डालूंगी कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि देखिए मैंने एक प्याज ली है, उसको इस तरीके से मैंने स्क्वायर में कट कर लिया है, और कैप्सिकम ले लिया है रेड और ग्रीन। अच्छा, रेड ज़रूरी नहीं है, मेरे पास घर में था तो इसलिए मैंने रेड ऐड किया है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके पास रेड नहीं हो तो आप ग्रीन ही डाल लीजिएगा। तो बस इन सब्जियों को ना हाई फ्लेम करते हुए आपको सिर्फ और सिर्फ सौते करना है। हाई फ्लेम पर रखते हुए इसको 2-3 मिनट ही हम सौते करेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है कि सब्जियां बिल्कुल नरम हो जाएं या सब्जियों का पानी निकल जाए, इतना इसको कुक नहीं करना है हाई फ्लेम रखते हुए। और जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना तभी आपको सब्जियाँ डालनी है, ठंडे तेल में सब्जियाँ नहीं डालनी है। तो बस देखिए, मैंने 2-3 मिनट ही इसको सौते किया है और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ऑयल नहीं निकालना है क्योंकि इसी ऑयल में मैं अब चिकन ऐड कर रही हूँ जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। तो बस चिकन डाल दिए, चिकन को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें सिर्फ पानी डालूँगी ताकि मॉइस्चर बने और चिकन का पानी निकलना शुरू हो जाए। तो चिकन का जो अपना पानी निकलेगा ना, उसी में चिकन बिल्कुल गल जाएगी। 100% हमें चिकन को पकाना है, कसर नहीं छोड़नी है, बिल्कुल कुक करना है 100%। तो मैंने लिड लगा दिया है, मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया है इसको। 20 मिनट में चिकन गल जाएगी आराम से। आपकी ये चिकन कितनी देर में गलती है आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि ये विद बोन है इसलिए इसको थोड़ा टाइम देना ज़रूरी है। अच्छी तरह से गलाने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा, और अगर ये बोनलेस होती चिकन तो इसको 10-15 मिनट ही पकाते, बस उसमें ही ये गल जाती है बोनलेस चिकन, उसमें इतना वक्त नहीं लगता। तो बस देखिए, 20-25 मिनट हुए हैं, चिकन बिल्कुल गल चुकी है और इसका पानी भी सारा कुछ हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो जब इस तरीके से देखें, आपने ऊपर देखा ना, रेड रेड सा हल्का सा कलर आ गया है इसको भूनने की वजह से, खुद ही ये भून गई है, मैंने कुछ भी नहीं भुना है। 20-25 मिनट में ये खुद ही रेडी हो गई है चिकन। तो बस उसको मैंने निकाल लिया है, अलग कर लिया है। उसी पैन में मैंने ऑयल डाला है मज़ीद 3-4 टेबल स्पून के बराबर, और फिर इसमें 4-5 जवे ले लिए थे लहसुन के, उसको चॉप कर लिया है, वो सबसे पहले इसमें डाल दिया है। लहसुन के जवे को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है उसको भी। और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं केचप 1 कप, और ये चिली सॉस है 2 टेबल स्पून, मैंने चिली सॉस ऐड कर लिया है। अगर आपके पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो आप चिली गार्लिक सॉस अगर आपके पास मिलता हो तो वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। और सोया सॉस ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ऐड किया है सफ़ेद सिरका, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक। नमक मिर्च का इस्तेमाल जो है ना इसमें वैसे काली मिर्च और नमक का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है चाइनीज़ वगैरह में, लेकिन कम से कम नमक का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें सोया सॉस ऐड किया है और सोया सॉस में भी नमक होता है। और अब इसको थोड़ा सा मैंने पकाया है, और फिर उसके बाद इसमें मैंने पानी ऐड किया है। पानी मैंने ऐड किया है 3 कप। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा, आपके घर में जितना मतलब आपको सॉस ज़्यादा चाहिए तो आप उसमें 4 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए, इसको कुक करने के लिए मैंने रखा है लिड लगाकर सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। जब तक वो कुक हो रहा है तब तक यहाँ पर कॉर्नफ्लोर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है और 1/2 कप इसमें पानी डालकर मिक्स कर लिया है। और अब ये देखिए अच्छा बॉयल हो रहा है ना, ये मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा हुआ है इसको, 2 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन जो हमने कुक करके रखा, क्योंकि कुक
हुई हुई चिकन है, 100% गली हुई, हमें गलाना भी नहीं है। अब इसको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, कोई टाइम नहीं लगने वाला है। बस चिकन डालने के बाद भी ना इसको बस 1-2 मिनट ही हम पकाएंगे और बिल्कुल लिड लगा कर पका लेंगे अच्छी तरह से, ताकि चिकन के अंदर इसका सॉस का अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो बस 1-2 मिनट ही लिड लगाने के बाद इसको मैंने पकाया है। और अब ये देखें, हाई फ्लेम करना है इसका। हाई फ्लेम करने के बाद ही आपको इसमें कॉर्नफ्लोर का जो हमने बनाया ना मिक्स, वो आपको हाई फ्लेम पर ऐड करना है। लेकिन एक साथ सारा ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे। और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद किया जाता है ना, तो आप गाढ़ा बना सकते हैं, कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको मैं दिखा दूँगी, हमारे घर में इसी तरह का पसंद किया जाता है, ज़्यादा गाढ़ा जैसे बाहर मिलता है उस तरह का पसंद नहीं किया जाता है। तो मैं अपने घर के हिसाब से बना रही हूँ। तो जो मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर रेडी किया था ना, तो वो मैंने पूरा इसमें डाल दिया था। तो ये अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए हो तो फिर आप ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, ताकि आपको कंसिस्टेंसी का पता चलता रहे। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, तो फिर आप उसमें पानी और ऐड कर सकते हैं, उसको पतला कर सकते हैं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी मैंने लिड लगा कर ना सिर्फ 1 मिनट उसको पकाया है मीडियम फ्लेम पर। और बस ये बिल्कुल हमारा शाश्लिक जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब बारी आती है राइस की। तो बस एक पैन ले लिया है, बड़ा सा, बड़ी सी कढ़ाई, आपके घर में जितनी बड़ी हो ना वो ले लें। उसमें चाइनीज़ जो है ना, वो बड़े पैन में बनाने में मज़ा आता है, छोटे छोटे में मज़ा नहीं आता। तो अगर आपके पास जो भी बड़ा पैन हो, आपके घर में कढ़ाई हो, कुछ भी हो, बस आप वो ले लें। और उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद अंडे को आपने देख लिया मैंने क्या बनाया है, इसका स्क्रम्बल कर लिया है और उसको सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि इसको हमें अभी नहीं डालना है, इसको हमें लास्ट में यूज़ करना है। तो फिर इसमें मैंने डाला है 2-3 चम्मच और ऑयल डाला है, और फिर इसमें डालेंगे सब्ज़ियाँ। तो सब्ज़ियाँ मैंने कट करके रख ली हैं यहाँ पर, और सबकी क्वान्टिटी भी मैंने मैंशन कर दी है। आप देख लीजिएगा रेसिपी कार्ड में सारा कुछ मेंशन किया हुआ है मैंने, आपको आराम से समझ आ जाएगा क्वांटिटी वगैरह सारा कुछ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने गाजर डाली है, क्योंकि गाजरें जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं गलने में, तो इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा 2 टेबल स्पून पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद ना लिड लगा कर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि गाजर जो है ना वो थोड़ी सी गल जाए। इन सब्ज़ियों में जो सब्ज़ियाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें गाजर ही थोड़ा सा वक्त लगाती हैं, बाकी सारी सब्ज़ियाँ तो ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो बस देखें, गाजर गल चुकी है अच्छी तरह, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च। हरी वाली शिमला मिर्च डाल दी है, और बंद गोभी दोनों साथ ही डाल रही हूँ। शिमला मिर्च और बंद गोभी डालने के बाद ज़्यादा कुक नहीं करना है। और अच्छा, एक बात मैं बता दूँ, सब्ज़ियाँ जो है ना आप हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, बंद गोभी और शिमला मिर्च वगैरह, सिर्फ आपको गाजर जो है ना वो बस गलाना है, और फिर हाई फ्लेम करके आपको इन सब्ज़ियों को कुक करना है। सब्ज़ियों का पानी नहीं निकलना चाहिए, और सब्ज़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्रंची क्रंची क्रिस्पी सब्ज़ियाँ हो तो मज़ा ही आ जाता है चाइनीज़ का। तो इसमें देखें, मैंने नमक डाला है थोड़ा सा, और थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। और अब देखें, अच्छी तरह से मैं हाई फ्लेम करते हुए इसको मैं मिक्स करूँगी। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट मैंने इसको बस मिक्स ही किया है समझ लें, और फिर मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी, क्योंकि अभी हम इसमें ना चावल डालेंगे। तो जब चावल डालेंगे तो चावलों के साथ भी ना सब्ज़ियाँ पकेंगी, तो जो कसर सब्जियों की अभी रह जाएगी ना, तो वो उसमें पूरी हो जाएगी, चावलों के साथ सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएंगी। तो सब्जियां हमारी बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब इसमें से देखें, हाफ कर लूँगी मैं सब्जियों को, आधी सब्जियां मैं इसमें से निकाल रही हूँ, और इसमें डालूँगी मैं राइस। तो 3 कप मैंने चावल ले लिए थे, उसको मैंने पका लिया है, जिस तरीके से हम बॉईल करते हैं राइस को, बिल्कुल उसी तरीके से पके हुए ये चावल हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो आधे चावल मैं इसमें डाल रही हूँ अभी, और जो आधी सब्जियाँ रखी हैं ना, आधे चावल मैं उसके साथ डालूँगी। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस, 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद हो चावलों में तो फिर आप डाल सकते हैं राइस में, अगर नहीं पसंद हो तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैं ज़रूर इसमें डालती हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अगर आप नहीं डालते हो तो। बहुत मज़े का टेस्ट आता है राइस का भी अलग से। तो इसको देखें, मिक्स कर लिया, सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं अच्छी तरह से, बस को भी हाई फ्लेम पर हमें पकाना है। ऑयल थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने, और अब बिल्कुल लास्ट में फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसमें डालती हूँ हरी प्याज, जो कटी हुई रखी थी वो हम हरी प्याज इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि हरी प्याज भी अगर आप पहले डाल देंगे, हरी प्याज जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती है, फिर उसका टेस्ट नहीं आता, नरम नरम सा हो जाता है, तो इसलिए क्रिस्पी क्रिस्पी सा रहेगा, ये बहुत मज़े का लगेगा। तो बस हमारा फ्राइड राइस मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी हो गया है, जो एग हमने स्क्रम्बल किए थे वो उसके ऊपर डेकोरेट कर दिया है अच्छा सा। आप चाहें तो एग को अंदर डालकर मिक्स भी कर सकते हैं सारे राइस के साथ, नहीं तो आप सेपरेट ऐसे ऊपर से डेकोरेट भी कर सकते हैं अच्छा सा।
चाइनीज़ चीज़ें जो है ना, वो फ्राइड राइस हो या फिर कोई और सी चीज़ हो, बनाने में वक्त बिल्कुल भी नहीं लगता है, कुकिंग में वक्त नहीं लगता, लेकिन बस उसकी जो चॉपिंग वगैरह होती है वेजिटेबल्स वगैरह की, तो बस उसी में ज़्यादा वक्त लगता है, बाकी तो कुकिंग टाइम तो इसका बहुत ही कम होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का ये मज़ेदार सा व्लॉग? अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।